नमस्कार, आप देख रहे हो जन क्रांति जींद। जैसा कि आप सबको मालूम है, कल 9 अगस्त है और संयुक्त किसान मोर्चा और विभिन्न मजदूर और किसान संगठनों ने कल भारत बचाओ दिवस मनाने का फैसला किया है। यह है क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में हम पूछेंगे। कॉमरेड सुभाष तिवारी है जो CITU जिला जींद के कोषाध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। ये कल का क्या कार्यक्रम है? कल का जो पूरे देश में संयुक्त मोर्चे की तरफ से आह्वान है, देश के तमाम जो ट्रेड यूनियन हैं, तमाम किस्म के जो जनवादी संगठन है, चाहे वो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के हैं चाहे प्राइवेट के हैं, इस सरकार के जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ पूरे देश में कल जो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के उसके उपलक्ष्य में अब जो स्थिति पैदा कर दी है इसने, मोदी सरकार ने और खट्टर सरकार ने, ये काफ़ी आज़ादी से मैं काफ़ी शहादत दे करके हमारे देश के शहीदों ने यहाँ काम के घंटे तय कराए थे। कुछ मजदूरों ने कल कारखाने में अपनी सुविधाएं ली थी, उन सबको बड़े बड़े अडानी अंबानी के पक्ष में, बड़ी पूंजी के पक्ष में कानून बना के जो काफ़ी कुर्बानियों के बाद से हासिल किया था उसको रद्द करने जा रहा है, कर दिया है, इसके खिलाफ है। और सबसे बड़ा घातक जो है किसान विरोधी ये जो तीनों बिल है इसको रद्द कराने के लिए तमाम किस्म के जन संगठन जो है इसमें पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे अपने रोष दर्ज करेंगे कि मोदी या तो कानून रद्द करो अन्य तो गद्दी छोड़ो, इस बात के लिए पूरे देश में कल आह्वान है। यहाँ जो हालत ऐसे पहुँचा दी है, ये किसानी का जो कानून है इसका प्रभाव आना शुरू हो गया है। अभी जो सरसों का तेल मिलता था सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जो BPL APL के कार्ड हैं उनका तेल बंद करा दिया, मतलब चीनी चाय पत्ती दाल चावल जो भी खाने का सामान है उसका कम से कम 50-70% इजाफा है। मोदी आया उस टाइम पे गैस का दाम था 380 रुपये, आज 850 रुपये गैस का दाम हो गया, डबल में डीजल पेट्रोल, मतलब सब कुछ जीना मुश्किल हो गया है। काम धंधे की हालत जो है पूरे मंदी के तरफ है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं चल, कारखाने बंद, कारखाने जो चल रहे हैं बड़े बड़े लोगों को वहाँ को कानून नहीं लागू है, इसलिए इसके खिलाफ कल यहाँ CITU के तमाम लोगों से भी अपील है कि यहाँ नेहरू पार्क में इकट्ठे होंगे सभी लोग, आप लोग भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और CITU के तमाम जो जन संगठन है, चाहे भवन निर्माण है, चाहे आशा वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वन मजदूर हैं, तमाम जो CITU के जन संगठन हैं और किसान सभा के कर्मचारियों के सभी लोग इकट्ठे होंगे कल नेहरू पार्क में, सरकार के इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ अपने रोष दर्ज कराएंगे।